माय YouTube चैनल फैमिली बीस्ट एंड फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ अजमेर शरीफ की दरगाह पे। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं कि ये जो दरगाह है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह मानी जाती है, और ये जो दरगाह है वो सूफी संत मोहम्मदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। भैया, ये किसकी दरगाह है यहाँ पे? दरगाह तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, तो ये यहाँ के सूफी संत थे? सूफी संत। अच्छा, तो क्या मान्यता है इस दरगाह की? मान्यता ये है कि चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग है, हिंदुस्तान के अंदर पहला दरबार है चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग का। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी दरबार हैं वो सब इनके सिलसिले के ही। अच्छा, यानी कि इनके शिष्य हैं सारे। इनके शिष्य हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो यहाँ पे प्रसाद बनता है वो दुनिया में सबसे मतलब बड़ा जो बर्तन होता है उसमें बनाया जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर दो कड़ाव है अंदर, जिसके अंदर प्रसाद वगैरह बनाया जाता है। एक तो अकबर का दिया हुआ है और एक जहांगीर का दिया हुआ है। अच्छा। जब अकबर को औलाद हुई थी तो यहाँ पर वो पैदल आया था, उसने एक मन्नत मांगी थी कि मैं यहाँ पर स्वीट राइस बनाऊंगा यहाँ पर आके। अच्छा। तो मेरी पूरी आवाम को खिलाऊंगा। तो उसके लिए पहले उसने एक बर्तन बनाया, उसके बाद फिर उसने उसमें मीठा चावल बनाया। बाबा की आस्था को देखते हुए कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर स्वीट राइस बनाया। अच्छा, तो यहाँ पे जो प्रसाद है वो पूरा दिन मिलता है? नहीं, पूरा दिन नहीं मिलता, अकॉर्डिंग टू कमेटी की तरफ से बनता है, नहीं तो कोई इसको पर्सनल बनवाना चाहे तो वो इसको बनवा। तो वो मन्नत के हिसाब से, मैंने सुना है कि जिनकी मन्नत होती है उस हिसाब से प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जैसे अभी जो पूरे दिन जैसे इतने जो श्रद्धालु आते हैं उनको प्रसाद के रूप में क्या मिलता है? प्रसाद के लिए पीछे एक लंगर खाना है जहाँ पर सुबह शाम प्रसाद वगैरह बनता रहता है, अपने दिन में दो बार बनता है। जो गरीब नवाज ने अपनी लाइफ के अंदर खुद उसको खाया, जो उसको कौन सूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सूप, कौन सूप बोलते हैं, जो का दलिया जो होता है, जो होता है ना उसका दलिया होता है, वो बनता है यहाँ पर। एक तो सुबह फजर की नमाज के बाद बढ़ता है, असर की नमाज के बाद बढ़ता है, डेली बढ़ता है, डेली बढ़ता है। तो जैसे ईद होती है, बकरीद होती है, या आपके जो स्पेशल त्यौहार होते हैं उसमें क्या प्रसाद दिया जाता है? स्पेशल त्यौहारों के अंदर उसके अंदर स्वीट मिल्क वगैरह डाल के, बादाम वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के उसके अकॉर्डिंग उसको स्पेशल। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे सुना जाता है कि हर किसी की मुराद पूरी होती है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये तो अपनी अपनी आस्था की बात है। गरीब नवाज के दरबार में सभी धर्म के लोग आते हैं, खाजा साहब के अंदर हिंदुस्तान से, ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पर यह है कि मान्यता जो सच्चे दिल से मांगे बाबा के अंदर आके उसकी मन्नत बाबा पूरी करने वाले। चादर चढ़ाने की क्या मुराद है? चादर चढ़ाने की मान्यता यह है, अपन यहाँ पर जैसे किसी से मिलने जाते हैं तो कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगभग अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी नियत अनुसार यहाँ पर चादर फूल वगैरह लेके जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये खुलने का क्या समय है, कब तक दर्शन कर सकते हैं सुबह से शाम तक? सुबह फजर की नमाज के बाद दरबार खुल जाता है और दिन में 3 बजे से लेकर 4 बजे अपने क्लीनिंग टाइम रहता है, जितना साफ सफाई वगैरह होती है। तो ये जो दरबार है ये सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है? सभी धर्मों के लिए खुला है। गरीब नवाज ने यहाँ पर कौमी एकता का पैगाम बांटा हिंदुस्तान में आके, जो आज तक चला आ रहा है। जी, 850 साल हो गए इस दरबार को, गरीब नवाज की बारगाह को, और यहाँ पर सभी धर्म के लोग जब से बाबा के अंदर जाने वाले आए। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पे हमने सुना है कि बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं और जो है पॉलिटिशियंस आते हैं, तो मतलब अभी तक आपने किससे किससे आप मिल चुके हैं? आप यहाँ पे रहते हो जी, तो किससे किससे आपने मिला, आपने किसको किसको देखा अभी तक यहाँ पे? लगभग सभी को देखा जो यहाँ पर आए, क्योंकि हम तो यहीं पर रहते हैं तो हम तो देखते रहते हैं। अच्छा, वैसे तो यहाँ पर बाबा की नज़र के अंदर सभी आम लोग हैं, कोई ना सेलिब्रिटी है, कोई ना, वो तो है ही, वो तो है अभी यहाँ। तो मतलब जो हम मन में मुराद लेकर आएंगे वो हमारे यहाँ पे पूरी होने के लिए आते हैं, बाबा के चाहने वाले हैं, दरबार में ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते हैं यहाँ पर। डेफिनेटली, तो बहुत अच्छा लगा हमने, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, और हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मतलब ये जो फूलों की टोकरी है ये वहाँ पे चढ़ती है? जी हाँ। अच्छा, तो ये दुकानें सब बाहर ही लगी रहती है? यहाँ सारी दुकानें बाहर है, अंदर भी है दुकानें, बाहर भी है। अच्छा, फूल वगैरह लेके लोग जाते हैं दरबार में चढ़ाने। तो इस मार्केट को क्या नाम है इस मार्केट का? दरगाह बाजार। दरगाह बाजार बोलते हैं इसको। तो मतलब इसमें हम लोग बिल्कुल बेखौफ होके आराम से आके दर्शन कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी आप गए होंगे अंदर, आप देख ही रहे होंगे। नहीं, अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने, सभी तरीके लोग जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो आप अपना नाम भी बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद इमरान चिश्ती। अच्छा, और आपका नाम क्या है भैया? क्या बात है, आप दोनों भाई हैं? फ्रेंड्स हैं आप लोग? अच्छा, इसमें प्रसाद बनता है क्या होता है? यही है वो कढ़ाई जिसमें प्रसाद बनता है, ये दूसरी कढ़ाई है, यही कढ़ाई है, इसमें रोज बनता है, उसमें हफ्ते में एक बार बनता है, तो ये छोटी वाली कढ़ाई है।
कल बना था तो उसका खाना वहाँ रखा हुआ है ड्रम। अच्छा कल जो बना था वो प्रसाद वहाँ पे रखा हुआ है, ड्रम में रखा हुआ है। उपर चले, उपर चले। तो गाइस मैं आपको वाली कढ़ाई दिखाती हूँ जिसमें हफ्ते में एक बार प्रसाद बनता है, तो सबसे बड़ी कढ़ाई मानी जाती है। तो यही वो कढ़ाई है जिसमें हफ्ते में एक बार प्रसाद बनता है एंड ये सबसे बड़ी कढ़ाई है इंडिया की। तो आप लोग देख सकते हो कितना सारा सामान एंड चढ़ावा यहाँ पे चढ़ा हुआ है। लोग देख सकते हो चढ़ावा चढ़ाने के लिए इस कढ़ाई में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। पर प्रसाद मिल रहा है। हेलो तो ये प्रसाद है जो दरगाह के अंदर से मिला है हम लोगों को। मीठे चावल है, स्वीट वाले मीठे वाले। तो गाइस मैंने आपको बट अंदर के दर्शन नहीं करे क्योंकि अलाउ नहीं था। तो कैसे लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सॉरी, सत श्री अकाल, बाय।